हेलो एवरीवन, जैसा कि आपको पता होगा मैं हर बार कोई ना कोई कंस्ट्रक्शन टॉपिक पर वीडियो लेकर आता हूं। आज भी एक टॉपिक है जिस पर मैं वीडियो बना रहा हूं। अभी मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने मुझसे क्वेरी की कि उनके बाथरूम में बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, ठीक है। तो अगर आपके बाथरूम में भी स्मेल आती है तो आप मेरी इस वीडियो को पूरी देखिए, इंशाल्लाह आपको हेल्प होगी। तो जैसे कि मैं आपको बताऊँ, जो बाथरूम में टॉयलेट में जो स्मेल आती है उसकी दो वजह हो सकती हैं, ठीक है। अगर आपने कोई बाथरूम यूज़ करा है, मतलब जो ह्यूमन स्क्रैटा है, जो आपके टॉयलेट सीट पे जो ह्यूमन स्क्रैटा है उसकी स्मेल होगी, ठीक है। जब वो आप जब उस वॉशरूम को जब यूज़ करते हैं तो उस ह्यूमन स्क्रैटे की स्मेल आपके टॉयलेट में घूम जाती है, तो वो आप स्मेल आप एग्जॉस्ट फैन के थ्रू बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, आप आर्किटेक्ट की ना सुन के टॉयलेट ऐसी जगह बनवा देते हैं जहाँ शाफ्ट का प्रोविज़न ही नहीं देते हैं। तो अगर आपके पास शाफ्ट का प्रोविज़न नहीं है, ठीक है ना, जहाँ पे आपने शाफ्ट नहीं दिए, एग्जॉस्ट फैन नहीं लगा सकते हैं, तो मैं वहाँ के लिए भी आपको सॉल्यूशन दूंगा, ठीक है। लेकिन इसकी एक दूसरी वजह है, जो मेरे एक दोस्त हैं रेहान, उनसे उनकी मेरे पास कॉल आई थी कल रात में ही कि उनके टॉयलेट में बहुत स्मेल आ रही है। लेकिन जब उन्होंने पता करा तो उनको उसकी वजह मालूम चली कि उनके बच्चों ने जो टॉयलेट का जो वेंट पाइप होता है, जैसे कि मैं आपको दिखाऊँ, ये आप देख रहे होंगे, इसे हम बोलते हैं वेंट पाइप। ये छत टॉयलेट से आके और ये छत पर आ जाता है, ठीक है। तो इसी वेंट पाइप को उनके बच्चे ने, इसके ऊपर काउल नहीं लगा हुआ, काउल लगाते हैं, जालीदार एक ढक्कन होता है, तो उस मेरे दोस्त के बच्चे ने उसके ऊपर कोई कटोरी वटोरी रख दी थी, जिसकी वजह से नीचे की जो स्मेल थी वो ऊपर नहीं निकल पा रही थी। तो ये वेंट पाइप बहुत ज़रूरी होता है, आप ध्यान रखिए, जब भी आप प्लम्बिंग का काम कराएं टॉयलेट का, तो इस वेंट पाइप को छत के ऊपर तक लेके जाएं और इसके ऊपर काउल लगाएं, जालीदार ढक्कन आता है वो ज़रूर लगाएं, और इसकी हाइट इतनी रखें कि बच्चों के हाथ वाथ ना पहुँचे, वरना वही सेम प्रॉब्लम होगी मेरे दोस्त रेहान की तरह, ठीक है। ये तो वेंट पाइप का बता दिया। वेंट पाइप में जो लिक्विड्स में जो स्मेल मर्ज हो जाती है वो आती है, और जो बाहर रोड का जो सीवर का जो स्मेल होती है वो भी इस पाइप के थ्रू आती है। तो अगर ये वेंट पाइप आपने ऊपर छत तक नहीं निकाला है तो आपके टॉयलेट में स्मेल हमेशा रहेगी, चाहे आप कितना भी पानी इसमें फ्लश करते रहिए, लेकिन आपके टॉयलेट से कभी स्मेल नहीं जाएगी, ठीक है। एक तो ये होगी वेंट पाइप की वजह से स्मेल रहती है, दूसरा ये है कि जो आपने आपका जो ह्यूमन स्क्रैटा है, जो आपकी पॉटी है, उसकी स्मेल जो आपके बाथरूम में घूम रही है वो आपके एग्जॉस्ट फैन से ही जाएगी। लेकिन मैं आपको बताऊँ, एक मेरे क्लाइंट थे, उन्होंने बेसमेंट ख़रीदा था, पहले 200 गज का बेसमेंट था 40x60 का, लेकिन उन्होंने आधा ख़रीदा 20x60 का, और उस 20x60 वाले एरिया में उनको शाफ्ट एक भी नहीं मिल रही थी, ठीक है ना। तो वहाँ पे उनको, क्योंकि अब 20x60 का है, बहुत लंबा सा एरिया हो गया, तो टॉयलेट हम लोग फ्रंट में बना नहीं सकते, क्योंकि रिसेप्शन का एरिया और थोड़ा सा एंट्रेंस चौड़ा होना चाहिए तो अच्छा लगता है किसी भी ऑफिस के लिए। तो टॉयलेट का स्पेस तो बिल्कुल लास्ट में गया, लेकिन वहाँ शाफ्ट का प्रोविज़न नहीं था। तो जहाँ पे शाफ्ट का प्रोविज़न ना मिल रहा है आपको, तो वहाँ के लिए मैं आपको बताऊँगा एक सॉल्यूशन होता है, इनलाइन फ़ैन। ये इनलाइन फ़ैन बहुत बढ़िया चीज़ होती है, जहाँ पे आपका शाफ्ट नहीं है वहाँ पे आप इसको, आप ये वीडियो में देख पा रहे होंगे, छोटा सा कटआउट दे के पाइप के थ्रू आप जितना लंबा चाहें, ठीक है ना, जितना लंबा चाहें आप बाहर निकाल सकते हैं, 4 इंची का पाइप, 6 इंची का पाइप, 8 इंची का पाइप के थ्रू। ये पाइप के बीच में दो तरह के फ़ैन आते हैं, एक तो आपके बाथरूम के अंदर ही साइड या फ्रंट पे आपने देखा होगा, एक तो नॉर्मल एग्जॉस्ट फैन आपने जो देखा होगा तो नॉर्मल है, लेकिन वो वहाँ काम करता है जहाँ पे विंडो या वेंटिलेटर हो। लेकिन सपोज करिए जहाँ पे आपका शाफ्ट आपके पास है ही नहीं, तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, वहाँ पे आप ये इनलाइन फ़ैन या पाइप वेंटिलेशन, जिसे हम मैकेनिकल वेंटिलेशन बोलते हैं, इसके आप थ्रू जा सकते हैं। बहुत ज़्यादा महंगा नहीं होता है, ये 2200-2300 रुपये का आता है सिर्फ, और प्लस पाइप की कॉस्ट आएगी जितनी लंबा आपकी पाइप होगी, ठीक है ना। तो आप इसके थ्रू जाइए, वीडियो में देख पा रहे होंगे आप, ये दो तरह के आते हैं, एक तो होता है पाइप के बीच में लग जाता है, ठीक है, और बहुत खूबसूरत से पीस होते हैं ये, आप देखेंगे 2000-2500 का पीस है ये। अंदर वाशरूम में अगर आप लगाएंगे तो आपको लगेगा किसी कोई आपने कोई लाइट वाइट लगा रखी है, लेकिन एक्चुअली में होती है एग्जॉस्ट फैन है, ठीक है। तो ये उन लोगों के लिए जिन जो अपना, क्योंकि मेरे एक दोस्त हैं, दोस्त का छोटे भाई जैसे हैं, उनकी भी मैंने ड्राइंग बनाई थी। इन्होंने क्या करा, वहाँ से टॉयलेट हटा के, शाफ्ट वाले एरिया से हटा के उन्होंने कमरे को बड़ा करके कहीं और टॉयलेट फिक्स कर दिया, और वहाँ पे उनकी शाफ्ट नहीं थी, ठीक है ना। तो उनको भी ये दिक्कत है कि उनके टॉयलेट में स्मेल रह जाती है, तो जहाँ पे ये दिक्कत है उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, आप इनलाइन फ़ैन का इस्तेमाल करें, जिसमें आप पाइप के थ्रू अपनी स्मेल को बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। और एक चीज़ और मैं कहूँगा, ये तो होगी टॉयलेट का, लेकिन कई बार होता है कि आपके किचन में और बालकनी में भी अगर आपकी दिक्कत आ रही है स्मेल की, तो वहाँ पे आप क्या, जो आपका नैनी ट्रैप होता है ना, नैनी ट्रैप का ध्यान रखिए, जब भी आप प्लम्बिंग करवाएं तो जो उसका लेवल है, नैनी ट्रैप का जो लेवल है, जो इसको ऐसा रखना है तो उसको बिल्कुल स्ट्रेट रखिए, स्लोप जो देना आपको नैनी ट्रैप के बाद जो पाइप आता है ना, जो प्लम्बिंग पाइप है, उसमें आपको स्लोप देना, ना कि आपको नैनी ट्रैप में स्लोप देना, क्योंकि जो नैनी ट्रैप का अगर आप स्लोप दे देंगे तो नैनी ट्रैप में छेद होता है, वो छेद जो होता है ना वाटर सील का काम करता है, जिसकी सील की वजह से
क्या होता है कि जो नीचे की मेन सीवर लाइन की जो स्मेल होती है ना, वो नहीं आ पाती है। तो वाटर सील होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। उससे कॉकरोच वॉकरोच भी नहीं आ पाते हैं आपके बालकनी में, आपके किचन में, ठीक है। तो आप इन सब बातों का ध्यान रखिए। जब भी आप प्लम्बिंग करवाएं तो प्लम्बर से ये ज़रूर कहिएगा कि भैया नैनी ट्रैप का एकदम पोजीशन जो है बिल्कुल स्ट्रेट रखे, उसमें स्लोप ना कर दे, उसके बाद जो पाइप लगेगा उसमें स्लोप करे वो, ठीक है। ये तो हो गया किचन और बालकनी के लिए नैनी ट्रैप का। और टॉयलेट का मैंने आपको बता ही दिया है, टॉयलेट में दो चीज़ें हैं, ठीक है। एक वेंट पाइप आपको ज़रूर देना है। अब वेंट पाइप में आपको इसे हम बोलते हैं वेंट पाइप, छत पे ये वेंट पाइप होता है, ठीक है। इसमें से नीचे से टॉयलेट की स्मेल पूरी निकल जाती है। इसमें इन्होंने काउल लगाना भूल गए, काउल आपको पिक में दिख रहा होगा, ऐसे ऊपर से एक ढक्कन लगता है, जालीदार ढक्कन होता है। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखिए, आपके वॉशरूम में टॉयलेट में स्मेल कभी नहीं आएगी, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आपको और कोई क्वेरी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं उस पर भी वीडियो बना के भेजूंगा। स्क्वायर अपॉन वाई जेड, तो ऐसे सवालों को करने के लिए देखिए, एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा।